हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में सिक्स बेस्ट मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर बॉलीवुड मूवीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर सिक्स पे है 2016 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फोबिया। मैं को सीवियर एग्रोफोबिया है। वो सचमुच ये मानती है कि अगर वो घर से बाहर निकली तो वही होगा जो उस रात हुआ था। आर्टिस्ट महक एग्रोफोबिया से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी घर से बाहर या किसी अनजान जगह पर जाने के नाम से ही बौखला जाता है। एक बार एक टैक्सी ड्राइवर महक के साथ रेप करने की नाकाम कोशिश करता है। वहाँ घर से बाहर जाने से डर लगता था या घर के अंदर डर लग रहा है, कहाँ जाऊँ मैं? महक खुद को बचाने में कामयाब रहती है, लेकिन इस हादसे के फौरन बाद वो एग्रोफोबिया की शिकार हो जाती है। इसके बाद महक अपने दोस्त के फ्लैट में जाती है। फ्लैट में आने के बाद महक को लगता है कि फ्लैट में एक लाश दफन है। अब ये सच है या महक का वहम, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। हमारी लिस्ट के नंबर फाइव पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल 2021 की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म हसीन दिलरुबा। आपने दिनेश पंथी की किताब पढ़ी है? क्या लिखते हैं, छोटे छोटे शहरों में ना बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं, पता ही नहीं चलता। हसीन दिलरुबा की कहानी क्राइम नॉवेल पसंद करने वाली खूबसूरत लड़की रानी की कहानी है, जिस पर अपने ही पति के कत्ल का इल्जाम है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, रानी की शादीशुदा जिंदगी के राज भी खुलने लगते हैं। कैसे संबंध है आपके नींद पार्टी के साथ? शारीरिक संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो संभोग होता है। खून का यह मामला उलझता जाता है। अब तक जो केस पुलिस को ओपन एंड शट लग रहा था, उसकी मुश्किलों में जांच भी उलझती जाती है और रानी का एक गैर मर्द के साथ अफेयर का किस्सा भी सामने आता है। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिसपे खून के हल्के हल्के से छींटे हो ताकि उसे बुरी नजर न लगे। मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घूंट। हमारी लिस्ट के नंबर फोर पे है जियो सिनेमा पे अवेलेबल 2013 की थ्रिलर ड्रामा फिल्म टेबल नंबर 21। 8 सवाल 8 जवाब और 8 टास्क। गेम है तो फिर प्राइज मनी भी होगा, $10 million। निर्देशक आदित्य दत्त की फिल्म की कहानी शुरू होती है विवान और सिया अगस्थी से। इन दोनों ने लव मैरिज की है, लेकिन विवान के पास कोई नौकरी नहीं है और सिया की जॉब से काम नहीं चल पाता। आप जैसे इंटेलिजेंट और हसीन लोग ये गेम नहीं खेलेंगे तो 8 मिलियन व्यूअर्स के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ऐसे में दोनों को एक गेम के बारे में पता चलता है जिससे वो 21 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हालांकि ये गेम कैसे उनके लिए मौत का सबब बन जाता है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। क्या आप चाहती है कि मैं दर्दनाक घिनौनी खुजली वाले कुत्ते की मौत? आपकी बीवी ने इस गेम का रूल तोड़ा है। गेम का रूल है इफ यू लाई यू डाई। हमारे लिस्ट के नंबर थ्री पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल 2013 की थ्रिलर ड्रामा फिल्म मॉम। अब मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। गलत है। शरीफ हूँ, बेवकूफ नहीं। मुझे तो लगता है कि गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। ये कहानी एक स्कूल टीचर देवकी की है। उसी स्कूल में देवकी की सौतेली बेटी आर्या भी पढ़ती है। आर्या के साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट मोहित आर्या को अश्लील मैसेज भेजता है। देवकी इस बात से नाराज होकर मोहित को सजा देती है। मेरा नाम दयाशंकर कपूर है, बट यू कैन कॉल मी डीके इन शॉर्ट। भोलेनाथ की कृपा है कि इंसान की राख से उसकी कुंडली निकाल लेता। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब मोहित आर्या के साथ रेप कर उसे गटर में फेंक देता है। उसके बाद कोर्ट में केस जाता है और जीत मोहित की होती है। इस तरह के न्याय को देखकर देवकी एक डिटेक्टिव दयाशंकर कपूर डीके के पास मदद के लिए जाती है। कहानी में आपको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। भोलेनाथ पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी, इसीलिए तो उसने माँ बनाई है। हमारी लिस्ट के नंबर टू पे है 2019 की एक्शन थ्रिलर फिल्म मर्दानी 2। ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। सीमेन सैंपल्स एक है या कई और? सिर्फ एक। शी इज बीन टॉर्चर्ड रेप्ड एंड मर्डर्ड। राजस्थान के कोटा शहर में आईपीएस शिवानी का तबादला होता है। जैसे ही वह शहर का चार्ज संभालती है, उसका सामना एक दुर्दांत रेपिस्ट से होता है। कोटा वह शहर है जहां विद्यार्थी भविष्य के उजले सपने लेकर आते हैं। शिवानी अपनी जाबाजी और दबंगई के बलबूते पर रेपिस्ट और कातिल को पकड़ने की कोशिश करती है। हर साल देश भर से लाखों बच्चे इस छोटे से शहर में पढ़ने के लिए आते हैं। इस केस का असर सिर्फ इस शहर में नहीं पूरे देश में होगा। We have to catch a suspect soon, शिवानी। लेकिन रेपिस्ट मानसिक विकृति का शिकार है और महिलाओं के प्रति उसकी घृणात्मक सोच उसके अहम को इस कदर चोट पहुंचाती है कि वो शिवानी को सबक सिखाने के लिए हिंसा और रेप का सिलसिला जारी रखता है। क्या शिवानी उस हैवान की हैवानियत को खत्म करके शहर को सुरक्षित कर पाएगी, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। फकिंग
monster. Shivani, just get that bastard. I will. हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे है 2016 की थ्रिलर ड्रामा फिल्म ट्राइब्ड। कुछ भी हो जाए इधर नहीं मरना। विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित फिल्म ट्राइब्ड एक थ्रिलर ड्रामा है। फिल्म की कहानी सौर्य की जिंदगी पर आधारित है, जो अपनी सहकर्मी नूरी से प्यार करता है। उससे शादी करके घर बसाना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि नूरी शादी से पहले एक शर्त रख देती है। नूरी कहती है कि जब तक सौर्य का अपना फ्लैट नहीं होगा वो शादी नहीं करेगी। सौर्य फ्लैट देखने के लिए जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें लॉक हो जाता है। सुनसान पड़े उस सोसाइटी में कोई भी रहने वाला नहीं होता। ऐसे में सौर्य के बचने की हैरत अंगेज कहानी आपको रोमांचित कर देगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rage game.